नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की खासम खास खबरों का बुलेटिन मनी टाइम, जो अब यूट्यूब के अलावा मनी नाइन के ऐप पर भी उपलब्ध है। इस खास शो में आपको मिलेगी हर वो खबर जिसका आपकी जेब से है बिल्कुल सीधा सरोकार। और आज की पहली खबर है आपके किचन से जुड़ी हुई। आटे के निर्यात को रोकने के बाद सरकार अब एक और बड़ा कदम उठा सकती है। गेहूं और इसके आटे के निर्यात को प्रतिबंधित करने के बाद भारत सरकार अब चावल के निर्यात को भी रोक सकती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। घरेलू बाजार में चावल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार इसके निर्यात को प्रतिबंधित कर सकती है। भारत के इस कदम से ग्लोबल फूड मार्केट में चावल की किल्लत हो सकती है। सरकार टूटे हुए चावल के निर्यात को रोकने पर विचार कर रही है। भारत से कुल चावल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी करीब 20% है। अभी ये बातचीत शुरुआती स्तर पर है और जल्द ही इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने गुरुवार को गेहूं के आटे के दाम में तेजी पर लगाम लगाने के लिए इसके निर्यात पर अंकुश लगाने का फैसला कर लिया है। फेस्टिव और विंटर वेकेशन के लिए अभी फ्लाइट के टिकट बुक करा लें, क्योंकि बाद में दाम बढ़ सकते हैं। अगर आप दिवाली या फिर क्रिसमस की छुट्टियों में हवाई यात्रा करने वाले हैं तो फ्लाइट के टिकट अभी बुक करा लें, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने हवाई यात्रा की टिकटों की कीमतों में बढ़ोतरी की पूरी संभावना जताई है। 1 अक्टूबर से एयर फेयर लिमिट खत्म हो रही है। दूसरी ओर एयरलाइंस कंपनियां आगामी फेस्टिव सीजन को देखते हुए अपने बेड़े में विमानों की संख्या बढ़ाने की तैयारी में हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पर एयरक्राफ्ट के इंजन और स्पेयर पार्ट्स की भारी किल्लत के चलते एयरलाइंस का ये प्लान संकट में पड़ता दिख रहा है, जिससे फेस्टिव सीजन में उनके अधिक फेरे लगाकर कमाई का विकल्प सफल नहीं हो सकेगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आगामी फेस्टिव सीजन के तहत सितंबर में ओणम, अक्टूबर में दशहरा और दिवाली, छठ पूजा और इसके बाद क्रिसमस और फिर न्यू ईयर, ये सब होगा और इन दिनों लोग एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करेंगे। इस दौरान ज़्यादातर एयरलाइंस टिकट के दाम बढ़ाने पर भी विचार कर सकती हैं, क्योंकि बेड़े में ज़्यादा विमानों को शामिल करने में किए गए अपने निवेश और खर्च को मैनेज करने का तरीका एयरलाइंस तलाश रही हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। टैक्स चोरी करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना दायरा बढ़ा रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT का कहना है कि आयकर विभाग टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए अर्थव्यवस्था के नए क्षेत्रों में दस्तक दे रहा है और विदेशों में संपत्तियां रखने वाले भारतीयों के बारे में आंकड़ों के विश्लेषण का तरीका अपना रहा है। विभाग अब रियल एस्टेट या डेवलपर तक ही सीमित नहीं है, यह अर्थव्यवस्था के नए इलाकों और नए क्षेत्रों तक दस्तक दे रहा है। इनमें परिसंपत्तियां, पुनर्गठन कंपनियां, गेमिंग और सट्टेबाजी से जुड़ी गतिविधियां भी शामिल हैं। विभाग पनामा पैराडाइज और पंडोरा पेपर्स से मिली तमाम सूचनाओं का विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि कार्रवाई के लायक मामलों को चिन्हित किया जा सके। जोमैटो निवेशकों के लिए एक बुरी खबर है। सेकोइया ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। जी हाँ, अमेरिका की वेंचर कैपिटल फर्म सेकोइया कैपिटल ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो में अपनी हिस्सेदारी घटा दी है। अब जोमैटो में सुकैया की हिस्सेदारी 6.41% से घटकर 4.44% रह गई है। सेकोइया कैपिटल ने जोमैटो के 171.9 करोड़ शेयर बेचे हैं और इस बिक्री के बाद जोमैटो के शेयर 0.48% गिरावट के साथ 61.80 रुपये के स्तर पर कारोबार हो रहा था। इससे पिछले सत्र में ये स्टॉक 62.10 रुपये के स्तर पर क्लोज हुआ था। दिन के कारोबार के दौरान एक समय ये स्टॉक 60.55 रुपये के निचले स्तर पर चला गया था, लेकिन उसके बाद इस शेयर में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। सोना सस्ता हो गया है, चांदी की चमक बढ़ गई है, जानिए अब भाव क्या है। सोने के हाजिर भाव में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली के सराफा बाजार में सोने के दाम में 254 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई। राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत घटकर 52,031 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई। चांदी की कीमत 21 रुपये बढ़कर 55,979 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव गिरावट के साथ $1,751 प्रति औंस पर चल रहा था। वहीं चांदी की कीमत $19.22 प्रति औंस पर सपाट रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के दाम में 302 रुपये की कमजोरी देखने को मिली है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 1.5 महीने में 75,000 लोगों को नौकरी मिलेगी।
कहाँ लेकिन ये मौका मिलेगा, आइए जानते हैं। लॉजिस्टिक फर्म डिलीवरी ने अगले 1 से 1.5 महीने में 75,000 से ज़्यादा स्टाफ की सीजनल भर्तियों की योजना का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि उसकी अपनी पार्सल छटाई क्षमता बढ़ाकर 15 लाख शिपमेंट प्रतिदिन करने की है। इन 75,000 नौकरियों में से 10,000 से ज़्यादा लोग डिलीवरी गेटवेज, वेयरहाउस और लास्ट माइल डिलीवरी के ऑफ रोल यानी अस्थायी कर्मचारी होंगे। डिलीवरी ने कहा कि वो अपने लास्ट माइल एजेंट प्रोग्राम के तहत 50,000 लास्ट माइल एजेंटों की भर्ती करेगी, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड स्टूडेंट्स और रिटायर्ड प्रोफेशनल्स आदि को कमाई के मौकों की पेशकश की जाती है। कंपनी अपने बीपी बिजनेस पार्टनर्स के जरिए ट्रकर्स, फ्लीट ओनर्स और ब्रोकर्स को भी अपने साथ जोड़ेगी। देश में शराब की किल्लत होने वाली है, सबसे बड़ी कंपनी ने बिक्री रोक दी है। भारत में शराब की बिक्री करने वाली सबसे बड़ी कंपनी डियाजियो ने कई राज्यों में शराब की बिक्री रोकने का फैसला कर लिया है। सरकार शराब की कीमत पर नियंत्रण रखना चाहती है, जबकि कंपनियां लागत बढ़ने की वजह से दाम बढ़ाना चाहती हैं। सरकार और कंपनियों की इस लड़ाई में डियाजियो को करीब $90 लाख का नुकसान हो चुका है। शराब के भाव नहीं बढ़ा पाने की मजबूरी की वजह से कंपनी ने शराब की बिक्री रोकने का फैसला कर लिया है। लागत बढ़ने की वजह से शराब की बिक्री कर नुकसान उठाने की जगह कंपनी ने शराब की बिक्री रोककर अपने नुकसान की भरपाई को पूरा करने का फैसला किया है। भारत में रेडमी ने लॉन्च किया है नया सस्ता फोन, और इसकी कीमत क्या है और फीचर्स क्या है, चलिए नजर डालते हैं। चीन की स्मार्टफोन कंपनी रेडमी ने शुक्रवार को भारत में अपना नया स्मार्टफोन रेडमी नोट 11 SE को लॉन्च कर दिया है, और इस फोन की बिक्री 31 अगस्त से शुरू होगी। 6GB रैम, 64GB स्टोरेज के साथ आने वाले रेडमी नोट 11 SE की कीमत ₹13,499 है। ये डिवाइस ब्लू, वाइट, ब्लैक और पर्पल कलर के ऑप्शन में उपलब्ध होगा। रेडमी नोट 11 SE में 64MP का प्राइमरी कैमरा होगा, जिसमें नाइट मोड होगा, AI ब्यूटीफाई होगा और AI पोर्ट्रेट मोड फीचर भी होगा। ये स्मार्टफोन 30 फ्रेम पर सेकेंड पर 4K रिजोल्यूशन तक का वीडियो रिकॉर्ड कर पाएगा, और Redmi Note 11 SE में 5000mAh की बैटरी होगी जो 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। चलिए अब नजर डालते हैं IPO अपडेट्स पर, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है IPOs की दुनिया में। DreamFox का IPO के लिए बोली लगाने का आज तीसरा और आखिरी दिन था। निवेशकों की ओर से इसे अब तक 24% से ज़्यादा बोलियां मिल चुकी हैं। कंपनी ने IPO के तहत करीब 95 लाख शेयरों को बिक्री के लिए रखा है, जिसके बदले में अभी तक 19 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिली हैं। रिटेल निवेशकों ने IPO के लिए बोली लगाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और अपने कोटे के शेयरों का करीब 24 गुना अधिक सब्सक्राइब किया है। सिरमा SGS टेक्नोलॉजी का शेयर शुक्रवार को ₹220 के निर्गम मूल्य के मुकाबले 19% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। सिरमा का शेयर BSE पर ₹262 प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ। बाद में शेयर 33% की तेजी के साथ ₹293 पर पहुंच गया। NSE में शेयर 18% प्रीमियम के साथ ₹260 पर लिस्ट हुआ। सिरमा SGS टेक्नोलॉजीज के IPO को 32 गुना अभिदान मिला था। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें, और अगर आपका भी कोई सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। और हाँ, पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए Money9 के ऐप को तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा, और अगर अभी तक नहीं किया है तो फटाफट प्ले स्टोर पर जाएं और Money9 के ऐप को जरूर डाउनलोड करें, और चलते चलते हमारा ये इन्फोग्राफिक जरूर देखें।